गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलने वाला चीन एक बार फिर दुनिया को शांति और स्थिरता के प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने का दिखावा कर रहा है। पूरी दुनिया को कोरोना महामारी देने वाले चीन ने दरअसल अब संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। यह वही चीन है जो साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र की इस संधि को न मानने वाले 23 देशों के साथ खड़ा था। शायद चीन अब अपने आप को वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार देश के रूप में साबित करने का प्रयास कर रहा है। चीन की इस मंशा का सच कैसे मान लिया जाए, जबकि हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में पूर्ण संप्रभुता को स्थापित करने का प्रयास करने के साथ साथ वह हिंदुस्तान की सीमा के साथ संघर्ष बढ़ा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चीन वैश्विक शांति और स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करेगा। मार्च 2020 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 से 2019 के बीच चीन वैश्विक बाजार के 53 देशों को हथियार निर्यात करने वाला दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश था। आपको बताते चलें कि अमेरिका ने अप्रैल 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ की इस संधि से बाहर निकलने की घोषणा की थी। दरअसल यूएन की शस्त्र व्यापार संधि भी उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधियों में से एक है जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में पूरा किया गया और अब वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे वापस ले रहे हैं। इन समझौतों में पेरिस समझौता और ईरान परमाणु समझौता भी शामिल है। संधि से बाहर होने की वजहों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका के आंतरिक कानूनों में दखल देने के साथ दूसरे संशोधन विधेयक में मिले अधिकारों का हनन होगा। आपको बता दें कि अमेरिका में द्वितीय संशोधन विधेयक के तहत नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार मिला है। अमेरिका में बंदूक के अधिकार की वकालत करने वाला नागरिक संगठन राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन लंबे समय से इस संधि का विरोध कर रहा है। कुछ विशेषज्ञ तो यह भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने राजनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन को नाराज नहीं करना चाहते। संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस संधि को 2 अप्रैल 2013 को अपनाया गया और 24 दिसंबर 2014 से यह लागू भी हो गया। साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने एक बयान में कहा था कि पारंपरिक हथियारों के हस्तांतरण के लिए सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मानक की कमी दुनिया भर में तमाम अपराधों को आमंत्रण देता है। आपको बता दें कि अब तक 130 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से 103 देशों ने अपने क्षेत्राधिकार में इसे लागू भी कर लिया है। वैश्विक आतंकवाद के मुद्दे को दोहराते हुए भारत ने इसके अस्तित्व में आते ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि इस संधि का उद्देश्य हथियारों के गलत प्रयोग और तस्करी को रोकना होना चाहिए। इसका वास्तविक लाभ तब होगा जब आतंकवादियों के हाथों में घातक हथियार न पहुंच पाए। संधि के प्रस्ताव को कमजोर और एकतरफा बताते हुए भारत इस संधि में शामिल नहीं हुआ। इसके बावजूद भी भारत इस संधि की वार्ता में भागीदार रहा। भारत का मानना है कि हथियारों का आयात और निर्यात करने वाले राष्ट्रों के बीच दायित्वों का संतुलन सुनिश्चित होना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर यह सच भी है कि हथियारों के हस्तांतरण और कमजोर नियंत्रण से उनके दुरुपयोग को बढ़ावा मिलता है, जिससे वैश्विक स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कमजोर होता है।